दोस्तों, हमने वक्त के साथ साथ जाना है कि हमारा अर्थ, हमारा स्टार और हमारे सोलर सिस्टम इकलौते नहीं है इस यूनिवर्स में। इनके जैसे अनगिनत हैं। और तो और, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के जैसे भी इस यूनिवर्स में अनगिनत गैलेक्सी मौजूद हैं। तो ये कैसे हो सकता रे बाबा कि हमारा यूनिवर्स अकेला हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि अब तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो, हमारा इकलौता यूनिवर्स अब तुम ही हो। स्ट्रिंग थ्योरी और क्वांटम थ्योरी की माने तो वी लिव इन अ मल्टीवर्स, मतलब कि हमारे यूनिवर्स के जैसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं और कई कई यूनिवर्स तो अलग मैथमेटिक्स से चलते हैं। तो कुछ यूनिवर्स तो डॉटर यूनिवर्स हैं और कुछ यूनिवर्स तो पास्ट में हुए लफड़ों को सुलझाने के लिए बनते हैं। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं हमारे यूनिवर्स के अलावा और कितने यूनिवर्स हैं और वे बनते कैसे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीश एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द वीडियो टाइटल हाउ मेनी यूनिवर्सेस आर देयर। पर भाई लोगों, वीडियो शुरू करने से पहले जरा डिस्क्लेमर तो सुन लो। ये वीडियो स्ट्रिंग थ्योरी, क्वांटम थ्योरी और हमारे महान साइंटिस्टों के महान कल्पनाओं पर आधारित है, क्योंकि हम इंसानों की इतनी औकात कहाँ, इतनी हैसियत कहाँ कि यूनिवर्स के बाहर जाकर दूसरे यूनिवर्स को देखें। म्यूजिक नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। नंबर वन, इन्फिनिटी यूनिवर्स। दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट इस बात पर दूर दूर तक श्योर नहीं है कि हमारे यूनिवर्स का शेप क्या है, मतलब कि हमारा यूनिवर्स बाहर से दिखता कैसा है। पर मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट का ये मानना है कि यूनिवर्स ना तो बबल के जैसे है और ना ही स्फेयर के जैसे है, बल्कि यूनिवर्स का शेप बिल्कुल फ्लैट है। और साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि अगर यूनिवर्स फ्लैट हुआ तो उसका अंत तो कभी होगा ही नहीं, और तब बनेगा इन्फिनाइट यूनिवर्स। और इन्फिनिटी यूनिवर्स कैसा होगा, इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं। पॉसिबिलिटी नंबर वन, यूनिवर्स एक ही है जिसका साइज इन्फिनाइट तक है। या फिर पॉसिबिलिटी नंबर टू, सेपरेट यूनिवर्स है, मतलब कि अलग अलग यूनिवर्स हैं लेकिन इन्फिनाइट नंबर्स में है। नंबर टू, डॉटर यूनिवर्स। अब भाई लोग, डॉटर यूनिवर्स का मतलब ये मत समझ लेना कि खुशखबरी है और हमारा यूनिवर्स पापा बन गया है और उसकी छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बिटिया डॉटर यूनिवर्स बन गई है। नाना, बल्कि डॉटर यूनिवर्स का जन्म तो क्वांटम थ्योरी से होता है। अगर मैं आपको क्वांटम थ्योरी समझाने बैठ गया ना तो आपको घंटा समझ आएगा। इसीलिए भाई लोग, मैं आपको एकदम सिंपल शब्दों में समझाता हूँ कि डॉटर यूनिवर्स होता क्या है और वे कैसे बनता है। दोस्तों, डॉटर यूनिवर्स को आप पॉसिबिलिटी यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, मतलब कि डॉटर यूनिवर्स का जन्म हर एक पॉसिबिलिटी पर होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, इमेजिन करिए आपके सामने दो सड़क हैं ए एंड बी, और आप सड़क ए को चुनते हैं, तो उसी वक्त एक ऐसा यूनिवर्स बनेगा जिसमें आप सड़क बी को चुनेंगे और वही यूनिवर्स डॉटर यूनिवर्स है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो यार, वरना एक डॉटर यूनिवर्स बन जाएगा। नंबर थ्री, पैरेलल यूनिवर्स। दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाते हैं और अपने आप को मार देते हैं। तो अब जरा पूरे फोकस से सोचिए कि जब आप बचपन में ही मर चुके हैं तो वह इंसान कौन था जो कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करके गया और आपको मार दिया? आखिर वह आदमी कौन था? और तब आता है पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट, मतलब कि पैरेलल यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स है जो कि हूबहू हमारे यूनिवर्स के जैसा होता है, और जो कुछ भी हम पास्ट में जाकर चेंज करते हैं वे हमारे यूनिवर्स में चेंज नहीं होता, बल्कि वे चेंज पैरेलल यूनिवर्स में होता है। एंड कम टू द एग्जांपल, आप टाइम ट्रेवल करके पैरेलल यूनिवर्स में गए थे और आपने खुद को नहीं मारा, बल्कि अपने खुद के जैसा दिखने वाले प्रतिरूप को मारा, और इसलिए आप इस यूनिवर्स में जिंदा हैं। बेसिकली पैरेलल यूनिवर्स पास्ट में हुए लफड़ों को सुलझाने के लिए है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही है। नंबर फोर, एंटी मैटर यूनिवर्स। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिग बैंग के बाद मैटर के साथ साथ एंटी मैटर भी बना था, लेकिन आखिरकार सारा एंटी मैटर गया तो गया कहाँ? वेल दोस्तों, हमारे साइंटिस्ट का ये मानना है कि मे बी एंटी मैटर का एक यूनिवर्स बन गया हो, या फिर मे बी एक एंटी मैटर यूनिवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट ही करती हो जिसमें गैलेक्सी, तारे, ग्रह सब एंटी मैटर से बने हो। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि एंटी मैटर क्या होता है। दरअसल एंटी मैटर मैटर का जस्ट उल्टा होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन। नंबर फाइव, मैथमेटिक्स यूनिवर्स। दोस्तों, फिलहाल तो साइंटिस्ट लोगों के बीच में बहसबाजी चल रही है और वह भी मैथमेटिक्स को लेकर। पर ऐसा क्यों यार? तो वेल दोस्तों, साइंटिस्ट लोगों का ये मानना है कि मैथमेटिक्स सिर्फ एक टूल नहीं है जिसे हम यूनिवर्स को समझते हैं, बल्कि वह खुद में एक फंडामेंटल रियलिटी है, मतलब कि जैसा यूनिवर्स वैसा उसका मैथमेटिक्स। Means different universe described by the different mathematics. जी हाँ दोस्तों, ये जरूरी थोड़ी ही है कि जिस मैथमेटिक्स के रूल से हमारा यूनिवर्स चलता है उसी मैथमेटिक्स के रूल से दूसरा यूनिवर्स भी चलेगा।
वेल दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे बहुत से यूनिवर्स हो सकते हैं जो कि डिफरेंट मैथमेटिक्स से चलते होंगे और उस मैथमेटिक्स के बारे में हमें पता भी ना हो और शायद उस मैथमेटिक्स का हमारे यूनिवर्स से कोई लेना देना ही ना हो और वैसे यूनिवर्स को हम कहेंगे मैथमेटिक्स यूनिवर्स। तो दोस्तों, ये थे मल्टीवर्स के कुछ कमाल के यूनिवर्स। उम्मीद है कि आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि आप आगे आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। जय हिंद।